चलो देखते हैं फीचर्स ऑफ HTML, ठीक है, कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। HTML इज द मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। ठीक है, HTML जो है एक सबसे कॉमन लैंग्वेज है। अगर हमें कोई भी वेब पेज बनाना है तो उसके लिए हम HTML का ही यूज करते हैं। ठीक है, इससे अच्छा और कोई लैंग्वेज नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक ही ऑप्शन है मान के चलो। ठीक है, इट हैज रिसेंटली गेन पॉपुलरिटी ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस सच एज। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे फीचर है, इट इज द लैंग्वेज विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोल रहा है HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको इजिली हम लोग समझ सकते हैं और जो भी हम लोग उसमें कोड करेंगे इजिली मॉडिफाई हम लोग उसमें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजिली। मतलब अगर कोई एक ही बार अगर HTML पढ़ा हुआ है, अगर वो किसी और का भी कोड देख ले तो उसको बहुत जल्दी समझ जाएगा और उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस कैन बी मेड विद द HTML विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, किसी भी वेब पेज को हम लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के रूप में भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर किसी का कैटलॉग बनाना है या फिर कोई डिस्क्रिप्शन हम लोग को देना है या फिर कोई प्रेजेंटेशन टाइप का, जैसे PPT हम लोग बनाते हैं, उस टाइप का भी अगर कुछ हम लोग को बनाना है तो हम लोग HTML की हेल्प से बहुत अच्छा हम लोग उसमें क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स द मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। ठीक है, HTML जो है वो हम लोग को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सुंदर सा एक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं और बहुत सारे उसमें तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को यूज करके हम लोग अपने वेब पेज को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेब पेजेस में क्या रहते हैं, वेब पेजेस में टेक्स्ट रहते हैं, ग्राफिक्स रहते हैं, इमेजेस रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, एनिमेशन रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, तो डिजाइन करना वेब पेज को बहुत ईजी हो जाता है अगर हम लोग HTML का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लिंक्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू द वेब पेजेस सो इट हेल्प्स द रीडर टू ब्राउज द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। हम लोग HTML में यहाँ पे लिंक्स भी डाल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेजेस को दूसरे वेब पेजेस से लिंक कर सकते हैं और जो भी यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है उसको बेटर इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मीन्स मतलब उसको उस टॉपिक को या फिर उस जो वर्ड है वो कंटेंट या फिर जो पैराग्राफ है उसको सर्च करने की जरूरत नहीं होती, उसमें सिंपल सा वो क्लिक करता है और वो लिंक से दूसरे पेजेस में वो पहुंच जाता है और इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो लिंक्स भी हम लोग अपने वेब पेजेस पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आता है, यू कैन डिस्प्ले HTML डॉक्यूमेंट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म सच एस मैकिंटोश, विंडोज, लिनक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए HTML जो वेब पेज बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी HTML डॉक्यूमेंट्स हम लोग इसमें बनाएंगे, ठीक है, .HTML फाइल जो होती है वो वेब ब्राउजर में रन होती है, इससे कोई भी प्लेटफॉर्म का कोई भी लेना देना नहीं होता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो हम लोग जो HTML डॉक्यूमेंट्स यूज करेंगे, ठीक है, वो हम लोग एप्पल के जो मैकिंटोश कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हम लोग चला सकते हैं, विंडोज में हम लोग चला सकते हैं, लिनक्स में हम लोग चला सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो ये HTML डॉक्यूमेंट्स हर जगह रन हो पाएगा। HTML डॉक्यूमेंट्स हर जगह रन हो जाता है, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, विंडोज फोन हो, ठीक है, एंड्रॉयड फोन हो, लिनक्स वाले फोन हो, ठीक है, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर, हर जगह वो रन हो सकता है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है जो HTML फाइल को रन ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि इसको एक ही चीज की जरूरत पड़ती है और वो है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हर कोई सिस्टम सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए HTML डॉक्यूमेंट्स क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब सभी प्लेटफॉर्म्स में वो एक्सेस हो सकता है, सभी प्लेटफॉर्म में वो एक्सेस किया जा सकता है, उसमें यूज कर सकते हैं, हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं, सारा चीज हम लोग कर सकते हैं।
जैसे आजकल के नए नए ऐप्स आते हैं, ठीक है, हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स देखते हैं या फिर वेब ऐप्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो वेब ऐप्स वगैरह भी होते हैं वो भी HTML में बनाए जाते हैं और उसको रेंडर किया जाता है एंड्रॉयड के लिए, आईफोन के लिए या फिर कोई दूसरे ब्लैकबेरी विंडोज इसके लिए रेंडर किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो ऐप्स भी आजकल जो बनने लग गए हैं वो भी सारे HTML टैग्स को यूज करके बनाए जाते हैं, HTML टैग्स को यूज करके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट्स, ग्राफिक्स वीडियोस एंड साउंड्स कैन आल्सो बी एडेड टू द वेब पेजेस व्हिच कैन गिव एन एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लुक टू योर वेब पेजेस। ठीक है, हम लोग अपने वेब पेज में अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हम लोग डाल सकते हैं, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हम लोग डाल सकते हैं, वीडियोस हम लोग डाल सकते हैं, उसमें साउंड्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो वेब पेज है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं ताकि जो भी यूजर सबसे पहले उस पे जाए, ठीक है, तो वो वेब पेज सबसे पहले उसको पसंद आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वो पूरे उस वेब पेज को खोले, ओपन करे, देखे, पढ़े, सारा इंफॉर्मेशन उससे ले सके बहुत इजीली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स वेब पेज बना लिए जिसमें इंफॉर्मेशन जो हम लोग को देना था वो मिल ही नहीं पा रहा है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग नहीं करेंगे, जो भी हम लोग बनाते हैं एकदम अट्रैक्टिव बनाना है उसको। ठीक है, मतलब जो यूजर उस पे आए तो उसमें अटक के रह जाए, ठीक है, वो उस वेबसाइट को बार बार खोल के देखे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फीचर्स है HTML के, यहाँ पे 6 टाइप के फीचर्स है, व्हाट इज एन HTML फाइल। HTML फाइल क्या होती है? ठीक है, जब भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज कैसे बनेगा, जब तक हम लोग HTML फाइल नहीं बनाएंगे वेब पेज हम लोग नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम लोग को एक HTML फाइल बनाना होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि HTML फाइल क्या होता है। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एन HTML फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग स्मॉल मार्कअप टैग्स। ठीक है, HTML फाइल जो होता है कोई एक ऐसा टेक्स्ट फाइल होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन उस टेक्स्ट में बहुत सारे छोटे छोटे मार्कअप टैग्स होते हैं। ठीक है, द मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ठीक है, जो मार्कअप टैग्स होते हैं, ठीक है, वो वेब ब्राउजर को बताता है कि वेब ब्राउजर में कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। जो भी कंटेंट हम लोग वेब पेज में हम लोग डालेंगे उस कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, ये सारा चीज टैग्स बताते। ठीक है, मार्कअप टैग्स जो होते हैं वो उस वेब ब्राउजर को बताएगा। ठीक है, एन HTML फाइल मस्ट हैव एन HTM और HTML फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे .htm से या फिर .html से हम लोग इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या होता है इसका, .htm या फिर .html। ठीक है, तो .htm या फिर .html से हम लोग इसको सेव करते हैं और इसी को ही वेब ब्राउजर में हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, एन HTML फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, हम लोग कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हम लोग कोई भी HTML फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक HTML फाइल में क्या होगा, कुछ मार्कअप टैग्स होंगे और ये मार्कअप टैग्स क्या करेगा, वेब ब्राउजर को बताएगा कि कैसे पेज को डिस्प्ले करना है। ठीक है, जो HTML फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होगा .htm या फिर .html। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि .html में ही सेव करें इसको, दोनों सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने वाले सिस्टम होते थे, मतलब पुराने वेब ब्राउजर्स होते थे, वहाँ पे HTML सपोर्ट करता था, आज के डेट में दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, HTML क्योंकि HTML जो है अपडेट होते रहता है, तो अगर हम लोग .htm में सेव करते हैं तो वो नए नए टैग्स को सपोर्ट नहीं कर पाता है।
अगर हम लोग नए HTML5 HTML6 के टैग्स यूज करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर .html में सेव करते हैं हमेशा, ठीक है। और HTML फाइल को हम लोग कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, एडिट प्लस, इस टाइप के बहुत सारे सिंपल सिंपल टेक्स्ट एडिटर हम लोग को मिलते हैं और हम लोग उससे उसको इजीली डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, और हम लोग इजीली उसको रन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML5, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो HTML में जनरली दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जनरली HTML में दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे हेड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है हेड, सेकंड पार्ट होता है बॉडी, ठीक है। सिर्फ इसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में भी वैसे ही होता है, हेड होता है हमारा और दूसरा होता है पूरा बॉडी, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अब दोनों एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। द हेड कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द हेडिंग, ठीक है, हेड क्या क्या कंटेन करेगा, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है और हेडिंग, ठीक है। टाइटल मतलब जो हमारा टाइटल बार पे यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऊपर जो HTML PGDCA दिख रहा है वो हमारा HTML, जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड डॉक्यूमेंट, उसका फाइल नेम है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो टाइटल बार पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो टाइटल बार पे भी हम लोग जो डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे नेम, उसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो हेड क्या क्या कंटेन करता है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द हेडिंग्स, ठीक है, दो चीज वो कंटेन करके रखेगा, ठीक है। फिर द बॉडी कंटेन्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, बॉडी क्या कंटेन करेगा, जितने भी अदर कंटेंट्स है, ठीक है, जितने भी अदर कंटेंट्स है वो सारे वो होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे दो ही पार्ट है हमारे पास, एक होगा हेड, ठीक है, और दूसरा होगा बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के पास सारे कंटेंट होंगे, ठीक है, जो भी कंटेंट वो डिस्प्ले करना चाहता है वो सारे कंटेंट होंगे, और हेड के अंदर क्या होगा, उसका टाइटल होगा और हेडिंग्स होंगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, इस यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी जो हम लोग ने पढ़ा उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML टैग से, ठीक है, इस टाइप का एंगल ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और यहाँ इसके बीच में लिख देंगे HTML, ठीक है। चलिए मैं इसको डायरेक्टली नोटपैड में मैं करके ही बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नो अनटाइटल नोटपैड यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया, ठीक है, ठीक है। नोटपैड हर कंप्यूटर में मिल जाएगा, अगर नहीं पता होगा कैसे ओपन करना है तो स्टार्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे नोटपैड ऑप्शन मिल जाएगा, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और उसके बाद एक्सेसरीज में जाएंगे, ठीक है, एक्सेसरीज में, और उसके बाद यहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा, ठीक है। अगर इतना भी मेहनत नहीं करना है तो यहाँ डायरेक्टली सर्च कर लेंगे नोट पैड, ठीक है, तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है, हम लोग को इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब HTML फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक टैग लिखते हैं HTML, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने HTML टैग लिखा, ठीक है, इसको हम लोग ने एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, ठीक है। अगर HTML यहाँ पे हम लोग ओपन किए तो HTML क्लोज भी होगा, ठीक है,
यहाँ पे लिखाएंगे क्लोजिंग टैग एचटीएमएल लिखेंगे, ठीक है। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। जितने भी चीजें हम लोग लिखेंगे अब इस एचटीएमएल टैग के अंदर में लिखेंगे। तो एचटीएमएल टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ, ठीक है। दो चीजें, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और ये पूरा मिलके एचटीएमएल टैग बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए और यहाँ से सिर्फ ओपन किए क्लोज नहीं किए, ठीक है। क्लोज भी हमको करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो एचटीएमएल लिखा है अगर हमने इसको क्लोज नहीं किया है तो भी वेब ब्राउजर समझ जाता है, जब भी कंटेंट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि एचटीएमएल टैग जो है वो क्लोज हुआ है, ठीक है। इतना वो अंडरस्टूड होता है वेब ब्राउजर, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम लोग लिखेंगे जरूर इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे एचटीएमएल टैग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग दो चीज क्रिएट करेंगे। हमारे पास एचटीएमएल के दो पार्ट है, हेड और बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेड टैग, ठीक है। हम लोग एक टैग लगाएंगे हेड, ठीक है। हेड मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। हेड को ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूंगा टाइटल, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करूंगा टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग से क्या होगा, टाइटल बार पे जो यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर हम लोग जो भी चीज देंगे वो टाइटल बार पे डिस्प्ले करेगा। मतलब टाइटल बार ये वाला होता है ऊपर वाला, ये टाइटल बार होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नेम डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कहाँ पे, वेब ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, सबसे पहले एचटीएमएल टैग है, इसके अंदर हेड टैग है, हेड के अंदर टाइटल टैग है, ठीक है। हेड के अंदर टाइटल टैग है, ठीक है। इस टाइटल के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। माय फर्स्ट वेब पेज मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये माय फर्स्ट वेब पेज जो होगा वो इस टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ हेड के बाहर में, ठीक है। ये हेड हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, ठीक है। क्या लिखूंगा, बॉडी, ठीक है। बॉडी टैग ओपन करूंगा और बॉडी टैग क्लोज कर दूंगा। बॉडी के अंदर हम लोग सारे कंटेंट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी चीज लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पेज, वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, ऐसा मैंने कोई भी एक लाइन लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिखा बॉडी के अंदर में, ये मैंने लिखा है बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया है और मैं इसको सबसे पहले सेव करूंगा। मैं फाइल में जाऊंगा, सेव एज करूंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूं तो मैं सेव एज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे लिखता हूँ HTML PGDCA, ठीक है। मैं एक फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर में मैं इसको सेव करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। कैसा भी हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डॉट HTML में मैंने सेव किया है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम करके एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डॉट HTML हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सेव कर देंगे और यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेव होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है, ये फाइल नेम है। और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे और डी ड्राइव में हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे HTML PGDCA करके फोल्डर हमने बनाया था और यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्रोम का आइकन बन चुका है, क्रोम क्योंकि मेरे में बाय डिफॉल्ट है। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं क्रोम HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक
ठीक है, तो इस टाइप का एक हमारे पास फाइल बन चुका है। ठीक है, इस फाइल को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल डबल क्लिक करना है और ओपन हो जाएगा। तो ये वेब ब्राउजर पे ओपन हो गया और यहाँ पे हम लोग इसमें जो कंटेंट लिखे थे वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये कंटेंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये बॉडी है और यहाँ पे जो हम लोग लिखे माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ मैं साइड बाय साइड कोड ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो यहाँ टाइटल दिख रहा है। टाइटल कहाँ से आया? ये टाइटल टैग्स है। ठीक है, टाइटल टैग में मैं कुछ भी चीज चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं ऐसा कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं चेंजेस किया हूँ कोड में, यहाँ के रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब भी इस कोड में चेंजेस करेंगे और आके यहाँ पे हम लोग को रिफ्रेश करना है, यहाँ पे रिफ्रेश होता है या फिर F5 से भी हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस जो मेरा, ठीक है, यहाँ पे जितने बार भी चेंजेस करेंगे सेव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस या फिर फाइल में जाके सेव करेंगे जब भी हम लोग इस कोड में चेंज करेंगे तब। ठीक है, सेव करना है, देन उसके बाद यहाँ पे इस ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे जो हम लोग का कोड होगा नया वाला वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेड टैग है, ठीक है, इसका पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये हेड है, ये वाला एक हेड है। ठीक है, और जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग मतलब ये ब्लैंक वाला जो पोर्शन दिख रहा है व्हाइट वाला, ये बॉडी है। ये क्या है? बॉडी है। ठीक है, तो ये हेड होगा और ये नीचे वाला बॉडी होगा। तो दो ही पार्ट होते हैं HTML फाइल के। तो इस प्रकार से हम लोग नोटपैड को यूज करके HTML की कोडिंग करेंगे। ठीक है, कोडिंग करने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे .HTML से, और जहाँ पे भी हम लोग सेव करेंगे और उसको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक करना है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन कहाँ पे होगा? ओपन करने के लिए हमको एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजर हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं? या तो हम लोग गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, कोई भी वेब ब्राउजर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, एक HTML डॉक्यूमेंट हमने बनाया और उसको रन करके देखा।